डिवाइडेशन रूल। तो अब हम डिवाइडेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा, मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 6 6 3 2 4 5 1 3 9 8, काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ओके। क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, क्या ये 4 से 5 से 6 से, 3 से होगा तो 6 से भी हो जाएगा, 7 से, उसके बाद क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, और क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अभी हम इतने नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, 2 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके आखिरी में जो नंबर होता है। यानी कि अब मैं इसमें से एक दूसरा कलर चूज़ करता हूँ, जैसे कि लास्ट का डिजिट हमारा 8 है, ठीक है, ये हमारा 8 है। अब 8 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर 8 2 से डिवाइड होता है, यानी कि लास्ट की डिजिट हमारी 2 से डिवाइड होती है, तो पूरा नंबर 2 से विभक्त हो जाएगा। विभक्त बोलते हैं इसको, विभक्त हो जाएगा, ठीक है। 3 के लिए हमने दूसरा कलर ले लिया। तो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? तो 3 से डिवाइडेशन का रूल सिंपल होता है, हमको पूरी जितनी भी संख्या दी हुई इन सबको आपस में जोड़ लो। यानी कि 3 से डिवाइड होने के लिए इसको पहले हम जोड़ेंगे 6 + 3 + 2 + 4 + 5 + 1 + 3 + 9 + 8। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 10 11 4 15 5 20 21 24 24 9 33 33 और 8 हमारा 42 42, 42 42 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। और अब हम आते हैं 4 पे। तो 4 के लिए हमारा सिंपल सा रूल होता है, लास्ट की 2 डिजिट को देखो। जैसे कि लास्ट की 2 डिजिट है हमारी 98, ठीक है, 98 हमारी लास्ट की 2 डिजिट है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 से डिवाइड होने के लिए 98। लास्ट की 2 डिजिट अगर हमारी 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ओके। तो उसको डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 18 नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 5 से। तो 5 से वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 हो, ओके। सबसे पहले हम इसको कर लें कि ये नहीं होगी, और हम फिर से आते हैं 5 पे। तो लास्ट में देखो, यहाँ पे ना तो 0 है और ना 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। 7 के लिए, तो 7 के लिए हम चूज़ करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट कलर, थोड़ा सा ब्लू टाइप का, मतलब ग्रीन टाइप का, ओके। तो 7 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट के डिजिट को अगर हम उसी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, ठीक है, तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 से के लिए हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा यहाँ ले आते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कोई संख्या, मान लो पूरी संख्या है, एग्जांपल लेते हैं हम 5 5 2,
ठीक है, लास्ट का डिजिट हमारा 2 है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 ठीक है माइनस 2 इंटू 2 बराबर क्या होगा 4, 55 में से 4 गया 51, 7 से 51 डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये जो नंबर आया इसको मैं ये 7 से डिवाइड होना चाहिए तो ये कर पाएगा, अदरवाइज ये नहीं कर पाएगा। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके। तो जैसे पूरी डिजिट में, जैसे मान लो ये तो बहुत लंबी डिजिट है तो इसको मुझे देखना पड़ेगा कि 7 से होगी कि नहीं होगी, तो पूरा नंबर लिखते हैं हम। जैसे कि लास्ट का जो 8 है इसमें से मुझे घटाना है, ओके। तो 6 3 2 4 5 1 3 9 माइनस लास्ट का डिजिट हमारा 8 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 6 3 2 4 5 1 3 9 माइनस 16, ठीक है। इसमें से हम सीधे यहीं से देख सकते हैं, 9 में से 6 गया 3, 3 में से गया 2। 6 3 2 4 5 1 2 3 फाइनल नंबर है। अब इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है, अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया था आर्बिट्री, लेकिन इतनी बड़ी संख्या आती नहीं है, ठीक है। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड है तो हमारा पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, इसको हम देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए सीधे कैलसी ओपन करते हैं, CALC, ठीक है। 6 3 2 4 5 1 2 3 डिवाइडेड बाई 7, 9। ये डेसिमल में आया है यानी दशमलव में आया है तो ये डिवाइड नहीं होगी, तो इसके लिए भी आंसर क्या होगा, ये नहीं होगी, ठीक है। अब हम 9 से डिवाइड करने हैं। 9 से रूल ये होता है कि अगर हम सारी संख्याओं को जोड़ दें, ठीक है, अगर एवरी जो हमारा पूरा डिजिट है तो 9 से के लिए हम फिर से जोड़ते हैं, हमने ऑलरेडी जोड़ के रखा हुआ है तो 42 सही है, हम 42 को लिख लेंगे यहाँ पे 42। अगर 42 9 से डिवाइड होगा, 3 की तरह एकदम, 3 में क्या था सबको जोड़ते थे जो आता था, अगर वो 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसी तरह 9 में क्या होता है, सारी संख्या को जोड़ो जो नंबर आता है, अगर वो 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। इस केस में हमने 42 लिया जो पहले जोड़ चुके हैं, 42 9 से डिवाइड नहीं है तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। 11 के लिए, 11 के लिए सिंपल से रूल ये होता है कि पहले मैं इसको मिटा के थोड़ी जगह बनाता हूँ, डिलीट डिलीट। तो 7 से के लिए हमने जो लिया हुआ था हम कह देंगे 7 से के लिए ब्रश ये नहीं होगी, ठीक है, 9 से भी नहीं होगी। और अब 11 के लिए, तो बेसिकली 11 के लिए क्या होता है कि जैसे मैं ग्रीन ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, कलरफुल आइटम। 11 से डिवाइड का रूल ये होता है कि आपकी जो पूरी नंबर है, ठीक है, उसमें से सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 हो और या 11 हो, ठीक है। मैं देखता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। तो सम संख्या, जैसे आजकल दिल्ली में ऑड इवेंट चल रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी है ऑड इवेंट, मतलब ऑड संख्या वो होती जो एक अल्टरनेट पे रहती है, जैसे कि हमारी जो है 8 हो गई, ठीक है, 3 5 2 6 ये हमारी ऑड स्थान पे, तो बोलेंगे ऑड संख्या, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं नीचे, हम ऑड नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6, ओके, जो हो गया 8 9 10 11 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये 24 हो गया। अब इवन नंबर्स को लिख लेते हैं,
इवन नंबर्स हमारे क्या क्या हैं, 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है देख लेते हैं, 9 1 4 और 3 इनको जोड़ो, 10 14 15 16 17 ठीक है, 24 माइनस 17, तो यानी ये जो हमारा था ये हमारा ऑड संख्याओं का योग था, ये हमारा था इवन संख्याओं का योग, और मेरा क्या रूल है कि इन दोनों के माइनस कर दो आपस में, चाहे माइनस में आंसर है चाहे प्लस में है, लेकिन अगर वो जीरो से डिवाइडेड है या ग्यारह से डिवाइडेड है तो वो ग्यारह से पूरी संख्या डिवाइड होगी। अब चूँकि 24 ऑड है, 17 हमारा इवन है, 24 माइनस 17 बराबर कितना हुआ 3, 7, 7 संख्या हमारी ना तो 11 से डिवाइड है ना 0 से, तो ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, तो ये होता है रूल।